हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रामस्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ जीके ट्रिक को लेकर एक वीडियो के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका विटामिन की कमी से होने वाले रोग के लिए, नेवी SSR में बनता है और वाई ग्रुप को में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ओपन चैलेंज है कि अगर आप इसका जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ अगर वो ट्रिक याद कर लेते हो तो 30 सेकंड में कंप्लीट जो भी विटामिन से कमी से होने वाले जो रोग है वो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और ऐसे ट्रिक में और भी आगे लेकर आता रहूँगा। तो यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स देखिए, बात करते हैं आज की ट्रिक की। ट्रिक है स्टूडेंट्स देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है उनको याद करने की, कि जो विटामिन की कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है। तो अलग अलग जो विटामिन की कमी है उनके लिए अलग अलग रोग जो कौन कौन से रोग हो रहे हैं उनको ऐसे याद रहते नहीं है स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, यहाँ पे देखिए जीके ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन ABCDE और K की कमी से होने वाले जो रोग है उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ABCDE की कमी से होने वाले रोगों के जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए ट्रिक जो है उसको याद कर लीजिए एक बार। पहले एक बार मैं दोहरा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए रवे सारे वहाँ पर हैं। रवे अब क्या है, रवे वो सारे एक जगह रखे हुए हैं। किसी ने पूछा है कि रवे कहाँ है, तो किसी ने जवाब दिया कि रवे सारे वहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो है वर्ड आपको नज़र आ रहा है वो साइलेंट रहने वाला है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बाकी और सभी जो वर्ड है वो मीनिंग के रूप में निकल के उनसे बाहर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, रवे सारे वहाँ पर, इसमें रवे में देखिए स्टूडेंट्स, रवे आर वे से वे और सारे से सा और रे। तो रवे सारे यहाँ पे जो चार आपको वर्ड नज़र आ रहे उनको लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए ABCDE और K, ऐसे मैंने क्रम बताया तो पहले आप ABCDE लिख लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जब आप इसको याद करने जाओगे तो सबसे पहली चीज़ कि जब बात करें ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो रतौंधी, उसके बाद क्योंकि रह है ना इसलिए रह से बन गया रतौंधी। उसके बाद में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग वे, यानी वेरी वेरी, यानी रवे, तो रवे में जो वे था उससे वेरी वेरी निकल के आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं ABC, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, यहाँ से सा, सा से बन गया स्कर्वी, रवे सारे, ये सारे का कॉन्सेप्ट है तो इसमें सा से बन गया स्टूडेंट्स स्कर्वी। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रे, यानी रिकेट्स। तो स्टूडेंट देखो आपको ट्रिक बन गई यहाँ पर, रवे सारे, तो इसमें ABCDE के जो विटामिन कमी से होने वाले रोग थे वो आ गए रतौंधी, वेरी वेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे, अब रवे सारे हो गया तो इसके बाद देखिए वहाँ पर, तो वहाँ पर को लेकर क्या जीके ट्रिक है आपकी वो देखिए, वहाँ में DE और K पहले लिख लीजिए एक बार आप। तो इसमें देखिए रे से बन गया स्टूडेंट्स रिकेट्स, पहले मैंने बता दिया था वहाँ ई का, वहाँ का मतलब है स्टूडेंट्स वांझपन, और पर से इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, और वह है रक्त का थक्का नहीं बनना या रक्त का थक्का नहीं जमना। अगर विटामिन के की कमी होती है तो अगर अपने को कोई चोट लग जाती है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण ब्लड का बहना नहीं रुकता है, तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स ABCDE, E, K, ये जो विटामिन कमी से होने वाले रोग थे इनकी ट्रिक हमने देखी ABCDE और K। तो ये आपके विटामिन कमी से होने वाले रोग थे जिनको आपने ट्रिक से याद किया, ए से रतौंधी रोग, बी से वेरी वेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और ई से वहाँ, और लास्ट में बात करें के से, तो के से मतलब पर, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, अलग ट्रिक बनेगी यहाँ पे इसलिए। तो विटामिन के की कमी से पर मतलब रक्त का थक्का जमने वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो स्टूडेंट सिंपल में याद कर सकते हैं ABCDE में रवे, और उसके बाद देखिए सारे वहाँ पर, रवे सारे वहाँ पर, सारे और वहाँ पर, तो ये छह जो विटामिन कमी से होने वाले रोग है। बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स एक दो बार ट्रिक को दोहरा लीजिए, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलोगे इसको। तो स्टूडेंट्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो स्टूडेंट्स वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलर मैं ऐसे जीके ट्रिक के लेकर वीडियो आने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आपको जीके को करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।